हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.2 की 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस में क्या था कि जब डेरिवेटिव क्या आएगा किसी भी फंक्शन का, तो जो 11th क्लास में आप कर चुके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट और एक्स की पावर एन, इस टाइप के। ये एक पेज पर लिख के अच्छे से याद करो, ये तो आते ही रहेंगे। कम से कम डिफ्रेंसीसन के 2 चैप्टर हैं और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से याद होगा तो इंटीग्रेशन भी कर पाओगे। नेक्स्ट एक और चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज होते हैं। तो आपको डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव तो बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। एक पेज पर लिखो अच्छे से और बार बार याद करते रहो, 3-4 बार अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका डेरिवेटिव आएगा क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, उस पॉइंट पर टेंजेंट होता है, ठीक है। अब अगर टेंजेंट एफ एक्स मान लिया, ये कोई कर्व है, ये टेंजेंट है इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव आ जाएगा टेन थीटा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है वो होना चाहिए यूनिक, ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इसका ग्राफ ये। अब बताया था कि भाई कॉर्नर बनते ही ग्राफ में वो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका कारण क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव के लिए यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट मतलब एक ही टेंजेंट होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर तो बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट बन जाएंगे उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 कर लिए थे हमने, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 रूट कोस एक्स कोट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई लिख लो या एफ एक्स लिख लो, तो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब कोट एक्स स्क्वेयर का रूट है तो इसका मतलब क्या है, कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 डीवाई बाई डी एक्स 2 इंटू, जब भी पावर 1 से अलग हो तो क्या करते हैं हम, पावर को आगे लेके आते हैं, 1/2 को आगे लेके आओ, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखो कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना आ जाए, 2 से 2 कट जाएगा, 1 इंटू कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये साथ में यहाँ पर लिख लेना, डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो भी फंक्शन बच गया कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये हर कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट कोट कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वेयर, अब अंदर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। अब पावर माइनस 1/2 है तो इसको नीचे लेके जाओगे क्या हो जाएगा, कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर का रूट इंटू माइनस 2x इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। फिर से देखो, जब भी पावर 1 से अलग हो उस पावर को आगे लेके आएंगे, फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, ऊपर जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब पावर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बच गया, अब कोट कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एंगल ये है तो ये एज इट इज लिखो। अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स की जगह कुछ भी हो तो वही चीज़ आया ना, 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया नहीं तो ये 1/2 ही होता, ठीक है। तो इस टाइप में डेरिवेटिव करोगे जब भी रूट आ जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कोस ऑफ रूट एक्स,
क्वेश्चन नंबर 8 कोस ऑफ रूट एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ रूट एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स याद है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन कि एक्स इक्वल टू वन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है। अब देखिए थ्योरेटिकल हम कैसे करेंगे कंटिन्यूटी में क्या किया था अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर हम एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। अब अगर मान लो एक्स इक्वल टू सी पर हमने डेरिवेटिव चेक करना है अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट साइड से इसका टेंजेंट ये मोड ऑफ एक्स था लेफ्ट साइड से इसका टेंजेंट और राइट साइड से इसका टेंजेंट दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ एक ही टेंजेंट है। अगर दोनों इक्वल है तो एक टेंजेंट है एक टेंजेंट आते ही डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो जाएगा डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर मान लो ये अलग अलग आ रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स में आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल ठीक है। अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो इसको ये लिख सकते हो एफ डैश सी माइनस इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई सी माइनस एच माइनस सी इससे ये कट जाएगा तो सीधा क्या याद रखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी सी कोई भी पॉइंट हो सकता है एफ डैश सी डोमेन में होगा वो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच राइट हैंड डेरिवेटिव में सी प्लस एच यहाँ पर प्लस एच यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सी माइनस एच यहाँ पर माइनस एच ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पर सी पर ठीक है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो टेंजेंट बन गए किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट मतलब बनते ही इसका मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन पर ये हमने शो करना है कि एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले तो इसको ओपन कर लो एफ एक्स इक्वल टू ये पॉजिटिव आएगा एक्स माइनस वन वैन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहाँ से एक्स माइनस वन वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये उस साइड जाके प्लस का हो गया और माइनस का आएगा एक्स माइनस वन वैन एक्स लेस देन वन इसका अपोजिट कर दो ठीक है। ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो ठीक है ना कि मोड फंक्शन को ओपन कैसे करें तो ये फंक्शन क्या बन गया अब सीधा इसको ये बन गया इसको वैन की जगह इफ भी लिख सकते हो और वैन भी लिख सकते हो। पॉजिटिव आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा नेगेटिव आएगा जब एक्स लेस देन वन होगा ठीक है। ये हमेशा कोई भी वैल्यू पुट करो एक्स लेस देन वन पुट करोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा मोड का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देना यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करके देखना इनमें हमेशा पॉजिटिव रहेगी ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव चेक करना है एक्स इक्वल टू वन पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बताया था एफ डैश सी एफ डैश सी सी की जगह क्या है वन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच एफ ऑफ सी सी की जगह क्या है वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी सी की जगह क्या है वन सी इक्वल टू वन ठीक है ये याद रखो बाई माइनस एच लेफ्ट हैंड है तो माइनस एच अब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच अब वन माइनस एच है
तो वन से छोटा है, एच कोई बिल्कुल छोटी क्वांटिटी होती है। लिमिट और डेरिवेटिव दोनों में एच का मतलब ये है कि एच 0.0000 बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वन में से कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, वन से छोटा आएगा। अब अगर वन से छोटा आएगा तो एफ एक्स क्या आएगा, ये आएगा। इसमें एक्स की जगह वन माइनस एच पुट करो, वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या है, ये। तो वन एक्स की जगह क्या पुट करोगे, वन, वन माइनस वन बाई एच। अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये वन से वन कैंसिल हो गया। अब माइनस ऑफ माइनस प्लस एच, वन माइनस वन ज़ीरो बाई नीचे माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नीचे माइनस एच, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, वन। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ सॉरी, वो माइनस वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैस सी लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, सी की जगह क्या है, वन, क्या आ जाएगा, वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी वन बाई एच। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच है तो वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो ये फंक्शन आएगा। इसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे, वन प्लस एच, वन प्लस एच माइनस वन, वन प्लस एच यहाँ पर पुट किया माइनस वन, फिर माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन ये एक्स की जगह वन पुट करोगे, वन माइनस वन बाई एच, इससे ये कट जाएगा। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच माइनस ज़ीरो बाई एच, एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन आ गया, इसका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, वन। तो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, ठीक है। अगर इक्वल आता है तो फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल। ये याद रखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ ही गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके दो स्लोप बन रहे हैं, दो स्लोप बनते ही फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल होने के लिए एक टेंजेंट बनना चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। हमने स्टार्टिंग में बताया था पिछले वीडियो में कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही नहीं है, आप सीधा भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एट एक्स इक्वल टू वन टू, ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इंटीग्रल पॉइंट मतलब वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, क्योंकि इन पॉइंट पर ये कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर ए फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूस दैट इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ये दो चीज़ याद रखो, एफ इज डिफरेंशिएबल दैट इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस, ये दो चीज़ें याद रखो। अब इसमें अगर आप शो कर दो कि एफ कंटिन्यूस नहीं है तो बोल दोगे ना कि नॉट डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब कल हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा था कि इसका ग्राफ बनाया था और ये ग्राफ वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन माइनस टू, इन सभी पर हम पेन उठा के कहीं और बना रहे थे, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकल कैसे प्रूव करोगे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब ये है कि सभी इंटीजर्स पर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू वन पर, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट
एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इसको h में चेंज कर लो, अगर h में चेंज करना चाहो तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो वन माइनस एच, वन माइनस एच। अब वन माइनस एच, एच कोई छोटा सा नंबर है 0.001, अब वन में से कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.99 समथिंग आएगा। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.99 ये पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि इससे, इसमें जो भी पॉइंट कर रहे हो उससे लेस इंटीजर, सबसे बड़ा लेस इंटीजर। अब 0.999 है, ये जीरो है, ये वन है, 0.99 इससे लेस सबसे बड़ा इंटीजर, और भी इंटीजर है लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, जीरो। तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, इसको एच में चेंज करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच। अब वन प्लस एच, एच क्या है, बिल्कुल छोटा सा नंबर 0.001, तो वन प्लस एच 01, वन में कोई छोटा सा नंबर ऐड किया तो ये हाँ हो गया, तो 1.01 मान लो, तो 01 है, इसमें पुट करोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। अगर इसमें वन पॉइंट कोई छोटा सा नंबर ऐड किया, मान लिया ये हो गया 1.1 ही हो गया, अब 1.1 इसमें पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, यहाँ से वन आ गई, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आई है, वन, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ये आप सीधा बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डेरिवेटिव में, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो वो अलग आएगा, राइट हैंड निकालोगे वो भी अलग आएगा, ठीक है। आपने अभी नॉट कंटीन्यूअस से नॉट डिफरेंशियल प्रूव किया है, क्या हम नॉट डिफरेंशियल से नॉट कंटीन्यूअस भी प्रूव कर सकते हैं? नहीं, अगर मान लो एफ एक्स मोड एक्स है, ठीक है, ये डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि मोड एक्स का ग्राफ क्या बनाओगे, ये यहाँ पर जीरो पर कॉर्नर बन गया, ये नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो, जीरो पर ये डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा उस पॉइंट पर, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन ज़रूर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये आपके 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद करो, पूरा लगभग ये मान लो 4 चैप्टर कवर होंगे डेरिवेटिव से। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, इसका रिवर्स आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इन सभी में डेरिवेटिव यूज़ होना है कम से कम 15-20 नंबर। तो आप डेरिवेटिव अच्छे से याद करो। थैंक यू।